अलगम गाइस आज है हमारा लेक्चर नंबर ट्वेंटी के एच रोजन की बुक है सेवंथ एडिशन एक्सरसाइज टू पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर टेन है जिसमें कहते हैं डिटरमाइन वेदर दिस स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स हम लोगों ने बताया ना कि ये स्टेटमेंट जो हमारे पास किए है वो ट्रू है या फॉल्स पार्ट ए है हमारे पास जिसमें है कि दिस इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट तो दैट इज ट्रू बिकॉज ये हमारे पास इसका एलिमेंट है बी हमारे पास है कि दिस इज़ एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट देखे ये वाला जो एलिमेंट है वो हमारे पास इस सेट में मौजूद है तो दैट इज़ ट्रू सी हमारे पास है कि दिस एलिमेंट इज़ अट इज़ एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट दैट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट लेकिन अगर हमारे पास ये चीज़ इस फॉर्म में रिटर्न होती तो ये हमारे पास ट्रू होती पार्ट डी है कि दिस एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट तो दैट इज ट्रू बिकॉज ये सेट हमारे पास ये जो एलिमेंट हमारे पास है ये इस सेट में प्रेजेंट है पार्ट ई हमारे पास है कि दिस एलिमेंट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट तो दैट इज ट्रू बिकॉज ये वाला हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे भी प्रेजेंट है F हमारे पास है कि दिस इज एन प्रॉपर सबसेट ऑफ दैट सेट तो दैट इज अ ट्रू पार्ट जी हमारे पास है कि दिस इज एन सब प्रॉपर सबसेट ऑफ दैट सेट तो दैट इज अ ट्रू क्वेश्चन नंबर है इलेवन हमारे पास है जिसमें वो कहते हैं डिटरमाइन वेदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स तो हम लोगों ने इसमें भी यही बताना है कि ट्रू एंड फॉल्स का ही बताना है तो पार्ट ए हमारे पास है एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ दैट सेट देखें यहाँ पे जो हमारे पास एक्स है वो इस सेट में प्रेजेंट है तो दैट्स मीन दैट इज द ट्रू बी हमारे पास है कि ये हमारे पास जो एक्स एलिमेंट है दैट इज दस सेट ऑफ दिस सेट तो दैट इज द ट्रू सी हमारे पास है कि एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट तो दैट इज़ द फॉल्स बिकॉज अगर ये हमारे पास इस फॉर्म में होता तो ये हमारे पास एलिमेंट होता लेकिन ये हमारे पास इस फॉर्म में नहीं होता दैट मीन इट इज़ अ नॉट एलिमेंट ऑफ दिस सेट तो दैट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट डी हमारे पास है कि एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट तो दैट इज अ ट्रू और ई हमारे पास है कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ दिस सेट तो एम्प्टी सेट जो हमारे पास है तो वो हर सेट का सबसेट होता है तो दैट मीन दैट इज अ ट्रू पार्ट एफ हमारे पास है कि एम्प्टी सेट इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट तो दैट इज अ रॉन्ग बिकॉज एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट तो होता है लेकिन वो हर सेट का एलिमेंट नहीं होता दैट इज अ फॉल्स टेट

ने एक नाम दिया वो कौन सा गया सबसेट आ, कौन सा ऑफ ऑड इंटीजर्स लेस देन टेन यानी कि उन्होंने हमें कहा कि नॉट एक्सीडिंग टेन हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं लेकिन ऑड इंटीजर्स कहां तक टेन तक तो हमारे पास जो ए सेट होगा वो हमारे पास होगा वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन देन हम लोगों ने क्या करना एक जो हम लोग वेन डायग्राम शो करते हैं वो हम लोग रेक्टेंगल की शेप में शो करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बना लेनी है उसको हम लोगों ने यू का नाम दे लेना है यू हमारे पास कहाँ तक है डिजिट्स वन से लेकर टेन तक यहाँ पे वन से लेकर टेन तक सारे डिजिट्स हैं लेकिन अब हमने एक सबसेट कौन सा शो करना है जिसमें हमारे पास कौन सा डिजिट हूँ वन थ्री फाइव सेवन नाइन तो हम लोगों ने एक सर्कल ड्रा कर लेना है उसमें हमारे पास वो डिजिट आने चाहिए जो कि वन थ्री फाइव सेवन नाइन है ये हमारे पास ए सेट है ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है इस तरह हम लोग अपनी Venn diagram. क्वेश्चन नंबर थर्टीन है जिसमें कहते हैं यूज अ वेन डायग्राम टू एलिस्ट्रेट द सेट ऑफ आल मंथ्स ऑफ द ईयर अब हमने इसमें भी वेन डायग्राम को आ, शो करना है तो वो क्या कहते हैं एलिस्ट्रेट द सेट ऑफ आल मंथ्स ऑफ द ईयर यानी कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होगा आल मंथ्स ऑफ द ईयर देन वो आगे क्या कहते हैं हुज नेम्स डू नॉट कंटेंट द लेटर आर इन द सेट ऑफ आल मंथ्स ऑफ द ईयर अब वो कहते हैं कि वो वाले लेटर्स जो हमारे पास आर नहीं जिसके मतलब एलिमेंट्स में सॉरी जिसके लेटर्स में हमारे पास आर लेटर नहीं आता वो हमारे पास क्या है एक दूसरा सेट है हम लोगों ने इन दोनों सेट का वेन डायग्राम शो करने है तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होंगे सेट ऑफ आल मंथ्स ऑफ द ईयर ए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक सेट है जिसको हम लोग ए का नाम दे लेते हैं वो हमारे पास क्या होगा मई जून जुलाई अगस्त क्योंकि इनमें वो वाले हम लोगों ने मंथ्स लेने हैं जिनमें आर वर्ड नहीं है अब हमने अपने वैन डाग्राम्स शो करने सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनानी है जिसको हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट का नाम दे देना है देन हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें हमारे पास वो वाले एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास सेट ए में हों तो हमारे पास सेट ए में कौन कौन से मई जून जुलाई अगस्त यूनिवर्सल सेट में हमारे पास सारे मंथ्स ऑफ जीयर्स हैं तो दैट इज़ द वैन डायग्राम होप्स तो so, आज के लेक्चर के आप लोगों को समझ आई होगी अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं